हाय गाइस, वेलकम टू गप्पे शप्पे विद यामिनी मल्होत्रा। और आज मेरे पल्लू के पीछे कोई है जो कि बहुत ही शैतान, बहुत ही नटखट, नॉटी, एक नंबर का बदमाश, छिछोरा सब है। तो मैं उससे मिलवाना चाहती हूँ आपको। प्लीज वेलकम माय वेरी गुड फ्रेंड जीतू। आजा। अच्छी शक्ल बन। दिस इज नॉट सनी, दिस इज बनी। मैंने सन्नी को बुलाया था। बनी आ गया। ऐसे बात करेगा तू? पूछ ना। है? पूछ। हाय सन्नी। हाय। कैसा है तू? सेक्सी, हॉट एंड हैंडसम। सेक्सी, हॉट एंड हैंडसम। वो तो यहाँ की लड़कियाँ डिसाइड करेंगी ना। मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग। तो गर्ल्स, यहाँ पे जो अभी आप यूट्यूब व्लॉग देखोगे ना, नीचे कमेंट्स में ना बताना सनी सेक्सी है, हॉट है, हैंडसम है, या तीनों है, तीनों नहीं है। नन ऑफ द अबव। मेरी तरह से नन ऑफ द अबव पे सिलेक्ट करते जाना। हाँ बस ठीक है। आपके पास तीन ऑप्शन है। हाँ बता कौन से। आपके पास तीन ऑप्शन है, सेक्सी, हॉट, हैंडसम। चौथा इनमें से कोई नन ऑफ द अबव पे सब सिलेक्ट कर दो गर्ल्स। मुझे विश्वास। अच्छा तो जनता को अपने बारे में बताना है कि जनता को जीत भी बताओ कि कौन है। ठीक है, तो कहाँ से है तू, कहाँ से आया, कौन है तू? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़, इट इज नियर नैनीताल, उत्तराखंड। हाँ, मैं पहाड़ों की बाजू से आया हूँ। ओह लवली, तो तू पहाड़ों में रहता है? था, रहता था। पहाड़ों से उतर के तू सीधा मुंबई के ट्रैफिक पे गिरा। तो कैसा लगता है, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा ठंड होती है? वहाँ पे फट्टे ठंड। हाँ मजेदार ठंड। और बर्फ गिरती है? मजा, बर्फ गिरती है। तो तूने कभी ऐसे बर्फ में कोई रोमांटिक सॉन्ग किया? रोमांटिक सॉन्ग नहीं किया मैंने, उत्तराखंड के कुछ सॉन्ग किया, बट किस्मत से उसमें बर्फ ही पड़ती थी। हाय, तो फिर बिना बर्फ के पहाड़ी वादियों में हरा भरा तो रहता ही, ऐसे थोड़े ना। हाँ हाय। अच्छा अभी मुझे बता, तेरा कुछ इस शो में तेरा फेवरेट कौन है, मतलब? बस इसीलिए पूछा था। तो इस शो में ना दूसरा फेवरेट बताऊं, दूसरा फेवरेट कौन है? हाँ मैं खुद है ना। देखा तेरा फेवरेट कौन है? मैं सब सवाल पूछती। मेरा ये भी है और मेरे एक दो और भी है। बताइए की बात नहीं, अलग से उनके सामने तारीफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मुंह में कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या खिला के गया आज ये हमारे स्नैक्स में। नमकीन कॉर्नफ्लेक्स। हाँ, पर आज तुम लोगों ने नोटिस किया हम दोनों हैं ग्रीन ग्रीन, दोनों ऐसे ग्रीन ग्रीन। That means we are saying the word to green. Friends. अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सन्नी जो है वो तो बहुत नॉटी है। जीत भी नॉटी है? सन्नी और जीत में क्या क्या सेम चीजें हैं और क्या क्या अलग चीजें हैं? सब कुछ सेम है। और मेरी रियल लाइफ में भी मेरा एक दोस्त है, जैसे विराट है वैसे ही छोटू है। हाँ। वो भी अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, वो सब इंस्पेक्टर है इनफैक्ट सीआईएसएफ में। वो भी सेम ऐसा ही है, दिखने में भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। हाँ हाँ। और मेरी रियल लाइफ में एक वो है दोस्त जिसको कहना ना दिल से जुड़ा हुआ, छोटू है एक दोस्त, और बस बाकी तो सेम ही हूँ मैं भी। रियल लाइफ में मैं लोगों के रिश्ते जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कभी कोशिश करता हूँ कि रिश्ते लोगों के टूटे ना। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं लाइक सजेशन देते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों के रिश्ते ना टूटे, मैं दोनों की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व हो जाए। अच्छा तो सनी को ना सब बहुत लाइक करते हैं कि सनी से सबके लाइफ में सनी जैसा दोस्त होना चाहिए। तो सनी क्या अभी सबके सुख दुख में आता है, मतलब जीतू जीत क्या सबके सुख दुख में आता है? सुख में भले एक बार के लिए ना भी आऊं, पर हाँ। दुख होगा तो जरूर आएगा। अच्छा, और तुझको ऐसे कौन से फ्रेंड्स उम्मीद है कि वो भी आएंगे है? हाँ, जैसे अबीर सूफी जो साईं बाबा प्ले करते हैं, मुझे पता है वो जरूर आएंगे। वो बड़े भाई की तरह, उनको फ्रेंड भी नहीं बोल सकता बट वो बड़े भाई की तरह। वो हो गए सुमित नागर भैया, हो गए ये है ना, ये आए। मुझसे उम्मीद है तुझे? हंसी नहीं आएगी। आऊंगी पापा, आऊंगी आऊंगी, मतलब अच्छा है, पता है तुझे कि हाँ मैं तो आई। और कुछ कुछ है, कुछ कुछ लोग मुझे गलत फहमी दी कई लोगों से कि ये लोग हैं, बट लोग चले गए लाइफ से, ठीक है, इट्स ओके। धोखे भी हुए? बिना धोखे के इंसान थोड़े ना सुधर सीखता है कुछ। तूने धोखे खाए? बहुत धोखे खाए, प्यार में खाए, दोस्ती में खाए। मैंने फ्रूट्स की बात की थी, फ्रूट्स धोखे खाए? फ्रूट धोखे नहीं खाता हूँ मैं, ऐसे ही खा लेता है। सैनिटाइज करके खाता हूँ। सैनिटाइज करके खाता है? कौन सा, डिटॉल या लाइफ बॉय? नहीं, नहीं, पागल एक अलग से आता है स्पेशल सैनिटाइजर। हाँ। फ्रूट्स का वॉश करते हैं। हाँ, अच्छा, 180 रुपए का।
ब्रांडिंग भी कर दूं क्या मैं? अच्छा तूने कभी बर्तन मांजे लाइफ में? मैं हमेशा मैं मेरे घर पे काम वाली बाई नहीं है तो मैं खुद ही करता हूँ सारा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। हाय हाँ, कुक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चिकन विकन बनाता है, सब मस्त एकदम। पनीर भी बनाता हूँ, एग करी भी बनाता है, एग करी बनाता है, एग करी भी बनाता है। हाँ, बट मैं अपने आप सारा काम खुद करता हूँ। हाँ? मुझे एक तो हम लोग का शेड्यूल तेरे को पता है क्या? हाँ? शूटिंग का तो किसी को घर नहीं भेज सकते, मैं अकेला रहता हूँ तो कोई घर जा करके तो खुद ही करना पड़ता है, तो खुद ही करता हूँ। तो फिर तेरे लिए बीवी ले आते हैं। ले आते हैं मार्केट में, 10 रुपए किलो बीवी है, 10 रुपए किलो बीवी है, ले जाओ ले जाओ। अब ये ऐसा करो, 5 किलो बीवी दे दो सनी के लिए, एक बीवी देना कितने की आई? 5 किलो बीवी 50 रुपए। अच्छा तो तेरी फेवरेट कार कौन सी है? मेरी खुद की है जो और तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्में से फिल्में तो बहुत सारी फेवरेट है, बट एक बहुत रेयर मूवी है, शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी, स्वामी। उसमें मनोज वाजपेयी जी हैं और ये हैं जूही चावला, तो बहुत प्यारी मूवी है, मस्ट वॉच मूवी स्वामी। यूट्यूब पे मिल जाएगी आराम से, इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स वेरी इमोशनल मूवी। अच्छा और तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। सबसे ज्यादा कलर के कपड़े कौन से तेरे पास? वैसे तूने ब्लैक कब पहना होगा? जब भी मैं देखती हूँ या चंकी फंकी ऐसे चंकी फंकी ना पजामे होते हैं, उसके तो पजामों की कलेक्शन देखनी चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ कि ऐसा एक पजामा मेरे लिए भी लेके आना कि मेरे पे ज्यादा सूट करेगा। फंकी ड्रेस अच्छी लगती है, लाइक जैसे ब्लैक रहेगा, ब्लैक और व्हाइट तो है ही, लाइक उसमें पीला होगा या नीला होगा या हरा, ऐसा कुछ डिफरेंट रहता है। मैं अलग से कपड़े ऐसे पहनता हूँ जो कि एक पीस हो, मार्केट में दूसरा पीस मिले ही नहीं। और जैसे मैं देखता हूँ दूसरे का सेम कपड़ा है, फिर उसको घर में यूज करने वाला है। अच्छा, पूछा ही बनता है कभी कभी। अच्छा हाँ, मैं यही पूछने वाली थी। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि टी-शर्ट का पोछा? बहुत बार, हमेशा होता है मेरे घर। हाँ? पे जैसे मॉप है, मॉप तो हो गया। हाँ। मॉप तो मॉप होता है, वो माइक्रोफाइबर का बना होता है, बट जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो एक्सपायर हो जाने के बाद, वो टेबल पोछने के या किचन साफ करने के। ये कोई घंटी नहीं थी, मेरे फोन की रिंगटोन है, मंदिर मंदिर में नहीं है, हम शूटिंग पे ही है, शूटिंग मंदिर। चलो तो हाँ, तो डस्टिंग में यूज होता है फिर वो कपड़ा? डस्टिंग गाड़ी साफ होती है उससे, मेरी किचन का स्लैब साफ होता है मेरा। अच्छा किस किस के घर में ये होता है कि टी शर्ट और पजामे जो है वो डस्टिंग के कपड़े बनते हैं, पोचे बनते हैं, बता देना ठीक है। हमारे इंडिया में कैसा होता है, पैंट होती है, पैंट को बस 10 साल पापा यूज करते हैं, उसके बाद उसको आधा पजामा किया जाता है, हल्के हल्के चिचड़े होने शुरू होते हैं, फिर वो पोछे की तरह यूज होता है। पोछे के बाद क्या होता है, उसके बाद ही बता रहा हूँ, लास्ट रेसिड्यू बचता है ना, तो क्या करेंगे बता, उसको ना जैसे कोई चीज लीक हो रही है या फिर जगह है वो पर यूज देते हैं, तो 10 मतलब एक कपड़े के बाद मात्र 50 साल तो चलती है हमारे यहाँ आराम से। अच्छा अच्छा, तो जब भी मैंने ना एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, बड़ी फेमस हुई थी, सब हंसे थे उस पर, क्योंकि सब इंडियंस ये करते हैं, जब भी टूथपेस्ट खत्म हो जाता है बेलन से ठीक है, चिल्ला के बोले भाई बस ये जो अभी हमने मुंह पलटा है, ये हमारी एडी मैडम हमें बुलाने आ गई थी, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर हमको बुलाने आ गई थी शॉट के लिए, और इंटरव्यू एग्जैक्ट वही जगह पे गप्पे शप्पे हमारी हो गई खत्म। बट ये वाला एंजॉय कर लो, एक और सेशन बनाएंगे जिसमें इस नॉटी लड़के की और बहुत सारी बातें निकल के बाहर आएंगी, ठीक है? अनटिल देन प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज 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 प्लीज, 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 प्लीज।